आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। बांद्रा वेस्ट शास्त्री नगर में बांद्रा जागरूक एकता समिति के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर उतरे। संजय मगरे साहब ने बिल्डर, एमसीजीएम और पुलिस के सामने अपनी आवाज बुलंद करे। बस्ती वालों ने मिलकर साथ दिए। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। लेकिन ये भी ये लोगों ने कैंसिल कर दिया। तीसरा, जो एनेक्स 2 में हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप थे उस समय पे, उनके नाम से जो एनेक्स 2 बना था उसको इतनी डांट लिया मैंने, स्टेट में बोला था जो कुछ अपात्र लोग हैं, अपात्र लोग कैसे हुए, ये जो गवर्नमेंट ने किया ना, उनका पेपर देखा ना कुछ, अपात्र लोग पेपर ना छो, पात्र लोग भी समझो थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, जो खुद को पात्र समझ रहे हैं उनको बोलो, पात्र लोगों के बाजू में भी लिखा है आप पात्र हो, लेकिन पेपर नॉट शो मतलब आप पात्र हो, ये भय में रहो मत आप कि मैं पात्र हूँ और मेरे पेपर नॉट शो लिखा है मतलब मैं पात्र हूँ, आपको बाद में ऐसा घर नहीं देगी, इसलिए हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे, इधर हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे, बाद में जब पेपर वेरिफिकेशन होगा ऐसा पत्रा लगने के बाद सोसाइटी का काम खत्म, बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डर का काम खत्म, एसआरए का काम चालू होगा, फिर एसआरए तुमको घुमाए की रहेगी, इसलिए बाद में कोर्ट पे 10-15 लाख खर्चा करने से अच्छा हमारे ये आंदोलन में शामिल हो जाओ, हमारे ये आंदोलन में शामिल हो जाओ, हमको पता है मैं उपोजिशन पे बैठा हूँ इधर, लेकिन ये मुझे अभी 5-10 मिनट से ज्यादा इधर बैठने नहीं देगी, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ अगर मुझे इधर पुलिस चौकी में भी लेके गए, मेरा अनशन मेरा उपोजिशन पुलिस चौकी में भी जारी रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस चौकी में मैं अनशन करूंगा, बैठने वाला पीछे हटने वाला नहीं है हम लोग, आगे हमको घर के बदले घर चाहिए, और दूसरी बात है नियम ऐसा होता है ट्रांजिस्टम भाड़ा, हमको भाड़े की जरूरत नहीं, हमको ट्रांजिस्टम की जरूरत है, ट्रांजिस्टम अगर बनता है तो हम उसके सर पे बैठेंगे, तो शायद वो जल्दी हमारा घर बन के देगा, दूसरी बात है नाला गटर के बारे में जो बोला। बांद्रा वेस्ट में आज हम लोग मौजूद है, बांद्रा जागरूक समिति एकता समिति के कार्यकर्ता लोग आज यहाँ पर सभी धरने पर बैठे, जहाँ पे अपने मागरे साहब जो यहाँ पर अभी लोगों से अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, हम मागरे साहब से पूछे कि सर आपकी मांग क्या है, जिस तरह से आप लोग बिल्डर और लोगों के बीच में जिस तरह से आप डिस्कस करते हुए नजर आ रहे थे, क्या दोनों के बीच में बातचीत है? हम बिल्डर के खिलाफ नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, गैर कानूनी से वो जो काम कर रहा है, लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को धमकाने का काम कर रहा है, बीएमसी के जरिए काम कर रहा है, बीएमसी को आगे करके लोगों को बेघर करने का काम कर रहा है, इसके खिलाफ हम है। सर कोई भी झोपड़पट्टी टूटती है, अगर 100 घर उसमें से तो 2-5 घर अक्सर ऐसे होते हैं कि वो रखड़ जाते हैं, उन लोग का कुछ ना कुछ जरिए से घर नहीं मिलता है तो वो लोग बेघर हो जाते हैं, लोग 5-5 साल से लेकर आज पे घूमते रहते हैं, तो अचानक से जब बस्ती टूटती है तो वो लोग के पास में इतना वो नहीं होता है कि वो लोग अपने घर को पात्र ना पात्र या ऐसा कुछ ऐसा पता कर सके और वो लोग रुक जाते, तो उनके लिए आपका क्या राय मशवरा है? हम मुंबई के हर एसआरए के बस्ती के बारे में जानकारी लेने के बाद ही हम इस बीच में ये आंदोलन करने पे उतरे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किधर भी जाओ, खार, बांद्रा, संताक्रूज, किधर भी मुंबई में जितने भी एसआरए के घर है और जिधर भी बिल्डिंग बनी है, बहुत सारे लोग, आप तो 5 लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे नज़र में हजारों से ऊपर के लोगों का सर्वे है कि उनको घर नहीं मिला, जाओ बेचारे 10-10, 15-15 साल तक वो घूम रहे, तो उससे वो ये हाल हमारा एरिया का ना हो जाए, इसलिए पहले से हमारी पहल ये आंदोलन करना, और वो उचित हम हर सरकार से लिखित में लेने की हमारी ये पहले आंदोलन। सर जो बांद्रा जागरूक एकता समिति आपकी जो ट्रस्ट है, आज 15 अगस्त का मौका है, आज़ादी दिवस है, और उस वक्त पे भी आप लोग उस वक्त पे भी जिस तरह से अपना धरना जारी रखे और अपनी आवाज़ उठा रहे हो, तो उस बारे में आपका कुछ विषय आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज 15 अगस्त का भी दिन है, 15 अगस्त का दिन स्वतंत्र दिन है, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश निकाला घर घर तिरंगा, लेकिन हमारे इधर घर ही नहीं है, हम तिरंगा लगाएंगे कहाँ, हम राष्ट्रध्वज कहाँ लगाएंगे, हम लगाने के लिए हम राष्ट्रध्वज लगाने के लिए हमको घर नहीं रख रहे, मतलब ये जो विकास के और जो विश्वते विनायक विश्वते साहब है बीएमसी के, ये लोग हमको राष्ट्रीय ध्वज का भी मान सम्मान रखने के लिए नहीं दे रहे। दूसरी बात है स्वतंत्र है, हमको घर से निकाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आज तो हमको एक ये पीएमसी ऑफिसर है पढ़े बोलते ना एकदम सिस्टम से, सैटरडे को शाम को 4 बजे नोटिस डाला, संडे को उसने ताकि संडे को सब कार्यालय बंद रह गए, हम उसको कोई जवाब नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, मंडे का दिन रहता है, मंडे को पेपर वर्क ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ पेपर वर्क में हम बना समय जाएगा, बाकी 15-16 तारीख 2 दिन छुट्टी है,
17-18 तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, कुछ हमने केस हमारा तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता। ये बड़े इससे और स्टडी करते हुए उसने नोटिस दिया कि तू 21-22-23 को तोड़ने आएगी। मतलब आप लोगों को कोई मौका या ऐसा कुछ ऐसा स्टेप उठाने जैसा ऐसा कोई मौका नहीं मिला या कुछ स्टे या फिर अपनी कार्रवाई करने जैसा हाथ अपना लेने स्टे के लिए कोशिश तो हो रहा, प्रयास तो हो रहा है, लेकिन जो छुट्टी बीच में आ रही है वो सबसे बड़ी अड़चन निर्माण कर रही है। और ये प्रशासन ने बराबर देखा कि छुट्टी के दिन काम, 4 दिन छुट्टी हो रही है हमारी, 6 दिन छुट्टी, 10 दिन में 6 दिन छुट्टी आ रही है हमारे, 4 दिन में हम काम क्या करेंगे। सर और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप अपने धरने के हिसाब से? जितना हम हमारे भूख धरने के हिसाब से एक ही बात करना चाहते हैं, हमको घर के बदले घर चाहिए, हमको कोई लालच नहीं है, हमको तेरा कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको तेरा कोई भाड़ा नहीं चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए। क्या ट्रांजिस कैम्प बंद कर दिया हमको? अगर BMC को इतनी जरूरत है, किधर नाला जाम हो रहा है, किधर गटर जाम हो रहा है, बैंड्रा को लोगों को परेशानी हो रही है, तो भाई पहले हमको तो घर के बदले घर पे दे, हम जाने के लिए तय। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से मागरे साहब की आवाज़ है कि घर के बदले घर दो, तो हमारा भी यही मांग है, घर के बदले घर चाहिए, हमारे बदले घर दो, बदले घर पाहिजे। आता आम्ही इथे रस्त्यावर बसल्या तरी पोलीस आमच्या पाठीशी बसले, आता आम्हाला रस्त्या घरात नेणारे आता आम्हाला आमचं घर तोडायला आले, आणि आता आम्ही रस्त्यावर बसल्या घरासाठी तेव्हा पण पोलीस आमच्या पाठीशी बसले, आम्हाला रस्त्यावर पण बसायला देत नाही। आता मग आम्ही घर आमचं तुटलंय त्याच्यासाठी आम्ही इथे बसले, तेव्हा पण आम्हाला पोलीस बसायला देत नाही। मग या सरकारने आम्हाला घर पण नाही देणार, घरात बसायला पण नाही देणार, आम्हाला माग काय पाहिजे त्याच्यासाठी आम्ही बसलो, तेव्हा पण आम्हाला रस्त्यावर बसायला देत नाही। मग आम्ही करायचं काय? आता आम्ही घरासाठी रस्त्यावर बसलो, इथे मारामारीला नाही बसलो। मैं बोलना चाहता हूँ कि BMC अगर नाले का विषय लेके अगर घर तोड़ रही है तो BMC का काम है नाले का, ये बरसात में नाले का काम होता है, ये नाले का नया काम बरसात में काम का, जो नाले भरे हुए वो पहले साफ करो, बाद में बरसात जाने के बाद नाले का काम चालू करना, ये भरी बरसात में नाले का काम कैसे चालू करेंगे आप बताओ? चालू बरसात में नाले का काम होता है।